नमस्कार दोस्तों, आइसलैंड उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित द्वीप एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। आइसलैंड की प्रकृति, संस्कृति, शांत और शांतिपूर्ण वातावरण को देखने और अनुभव करने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। आइसलैंड में दुनिया का सबसे साफ पानी है। आप देश भर में आने वाली किसी भी धारा या नल से बहुत अधिक सीधे पी सकते हैं। इसलिए आप आइसलैंड की अपनी यात्रा के लिए पैकिंग कर रहे हो तो सुनिश्चित करें कि आप पुनः उपयोग योग्य पानी की बोतल साथ लाए। आइसलैंड आग और बर्फ की भूमि के रूप में जाना जाता है। बहुत अच्छे स्वभाव वाले और प्यार करने वाले लोगों और स्कैंडिनेवियाई परंपरा के घर के रूप में है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हर साल लगभग 10 लाख पर्यटक आते हैं। आइए जानें इस खूबसूरत देश के बारे में कुछ रोचक तथ्य। इस देश की मुख्य विशेषता यह है कि इस देश में मच्छर नहीं है। इस देश में सांपों को नाम तक नहीं मिलता। आइसलैंड सभी प्रकार के यात्रियों के लिए दुनिया के सबसे अच्छे गंतव्यों में से एक है, लेकिन यह महंगा भी है। जबकि आपको दैनिक जीवन खर्चों का भुगतान करने के लिए अपने दैनिक बजट में अधिक आवश्यकता होगी। आइसलैंड अकेले यात्री के रूप में पता लगाने के लिए एक अविश्वसनीय देश है। आपको बस दैनिक खर्चों के लिए बड़ा बजट होना चाहिए। आइसलैंड में सबसे बड़ा खर्च शराब में होता है, क्योंकि यहाँ शराब बहुत महंगी है। उन गेस्ट हाउसों की तलाश करें जिनमें नाश्ता शामिल है। आइसलैंड के बारे में पसंदीदा चीजों में से एक यह है कि वहाँ बहुत सारे भूतांत्रिक क्षेत्र हैं। आप हॉट पॉट आइसलैंड पर स्पॉट की पूरी सूची पा सकते हैं और गर्म पानी में आराम से घंटों बिता सकते हैं। बहुत सारे पर्यटक हैं जो प्रति वर्ष लगभग आइसलैंडिक आबादी के 60% से अधिक लोग राजधानी शहर में रहते हैं। रेग्जाविक हालांकि बहुत छोटा है, रेग्जाविक सबसे उत्तरी है दुनिया में राजधानी का शहर। आइसलैंड की आबादी के आधे से अधिक यहाँ लोग रहते हैं। यह रंगीन तथा विचित्र शहर है। काफी यहाँ रेस्तरां, कैफे, बार और संग्रहालय से भरा हुआ है और यह बेहद पैदल चलने योग्य शहर है, जिससे यह पैदल यात्रा करने के लिए एक आदर्श स्थान है। इंसानों द्वारा बसाया गया आइसलैंड धरती का अंतिम स्थान था। आइसलैंड को ग्रह पर सबसे कम उम्र के भू स्वामियों में से एक के रूप में जाना जाता है और यह मनुष्यों द्वारा बसाए जाने वाले पृथ्वी पर अंतिम स्थानों में से एक था। आप पूरे साल गर्म झरनों में बाहर तैर सकते हैं। एक आइसलैंडिक अनुभव एक गर्म पानी के झरने में डुबकी के बिना पूरा नहीं होता है। ज्वालामुखीय रूप से गर्म पुलों में बाहर से स्नान करने का बाहरी अनुभव वाइकिंग के समय से है। दोस्तों, हॉट स्प्रिंग पूरे देश में पाए जा सकते हैं और सभी आकारों से होते हैं। अपनी आंखों को झील और स्नान सूट को करीब आप इस अनुभव को याद कर सकते हैं। आइसलैंड दुनिया में सबसे अधिक पर्यावरण के अनुकूल देशों में से दुनिया में पर्यावरण मित्र देशों में से एक है। आइसलैंड को एक स्थान दिया गया था जो कि आइसलैंड में लगभग सभी बिजली अक्षय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके उत्पादित की जाती है। यह देखना आसान है। रेग्जाविक की राजधानी 2014 में नॉर्डिक प्रकृति और पर्यावरण पुरस्कार जीता है और दोनों के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। आइसलैंड के पास यूरोप में सबसे लंबा वर्कब्रिज है। आइसलैंड के बारे में सबसे दिलचस्प तथ्यों में से यह है कि औसतन आइसलैंड्स काम करते हैं सप्ताह में 45 घंटे। यूरोप के किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक लंबा यह समय नापा जा सकता है। आइसलैंड का लगभग 11% ग्लेशियरों द्वारा कवर किया गया है। अध्ययनों से यह पता चलता है कि आइसलैंड के देश का 11% ग्लेशियरों द्वारा कवर किया गया है। दोस्तों, आइसलैंड में ग्लेशियर मुख्य आकर्षण में से एक है और आज तक लगभग 269 नेम है। आइसलैंड यूरोप का सबसे बड़ा ग्लेशियर वर्मजोकुल का भी शहर है, जो लग्जमबर्ग या रोड आइलैंड के आकार के 3 गुना बराबर है। आइसलैंड के राष्ट्रीय रंग लाल, सफेद और नीले हैं। आइसलैंड के 3 राष्ट्रीय रंग हैं, देश के झंडे पर भी दिखाई देते हैं। उन तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो भूमि से बने हैं। आइसलैंड की ज्वालामुखी की आग का रंग लाल, बर्फ के लिए सफेद और समुद्र के लिए नीला है। आइसलैंड का घोड़ा आइसलैंड में एकमात्र घोड़ा नस्ल है।
घोड़े ने आइसलैंड के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोस्तों, उन्हें दुनिया की सबसे शुद्ध नस्लों में से एक माना जाता है और वे अपने मांसल शरीर और सर्दियों में लंबे बाल और गर्मियों में छोटे बाल उगाने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते हैं। आइसलैंडिक घोड़ों को पूरे देश में पाया जा सकता है और दोनों दोस्ताना और जिज्ञासु होने के लिए जाने जाते हैं और हमेशा एक फोटोशूट के लिए तैयार होते हैं, इसलिए स्टैंड बाय पर अपने कैमरे को सुनिश्चित करें। नॉर्दर्न लाइट्स को सितंबर से मार्च तक आइसलैंड में देखा जा सकता है। ऑरोरा बोरेलिस का अनुभव करने के लिए कई यात्री आइसलैंड की ओर आकर्षित होते हैं। सितंबर से मार्च इस प्राकृतिक प्रकाश शो के लिए सबसे अच्छा समय है। हालांकि निश्चित रूप से यह भी गारंटी नहीं है, यह अविश्वसनीय प्राकृतिक घटना तब बनती है जब सौर कण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में वायुमंडल के साथ बातचीत करते हैं। आइसलैंड का राष्ट्रीय खेल हैंडबॉल है। जी हाँ दोस्तों, आइसलैंड फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और घुड़सवारी सहित खेल खेलना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आइसलैंड का राष्ट्रीय खेल वास्तव में हैंडबॉल है?